तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कुछ इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट अलर्ट मोशन में कैसे बना सकते हो। जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा तो इस तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट बनाना बहुत ही आसान है। तो कैसे बनाते हैं जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अलर्ट मोशन को ओपन कर लेना और यहाँ पर आप अपने फोटो ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी कुछ फोटो ऐड करके रखे हैं। तो जैसे आप अपने फोटो ऐड कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा वाला इमेज है इसको आप स्वाइप डाउन करके सबसे लास्ट में रख देना इस तरह से। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो सबसे पहला वाला इमेज है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और इसके लास्ट पॉइंट पर आना है। लास्ट पॉइंट पर आने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक मार्किंग लगाना है। तो मार्किंग लगाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर जो है एक बार क्लिक करते ही यहाँ पर एक मार्किंग लग जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले की फ्रेम लगा दीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पर। उसके बाद जितना बड़ा आपका फोटो होगा उसके बिल्कुल सेंटर में आना है। बिल्कुल सेंटर में आने के बाद आपको यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगाना है। तो यहाँ पर मैं फटक से लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक की फ्रेम लगाने के बाद आपको यहाँ पर और एक लास्ट में की फ्रेम लगाना है, यानी कि आपको तीन की फ्रेम लगाने हैं। तो इसके बाद अभी हमने जो स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा दिया है उसके ऊपर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो फोटो है आपको उसको नीचे की तरफ इस तरह से स्वाइप डाउन कर लेना, बिल्कुल सेंटर से इस तरह से। यहाँ वहाँ मत करना, इस तरह से कर लीजिए। आधे फोटो को इस तरह से आप स्वाइप डाउन कर लेना। तो यहाँ पर मैं इतने तक कर लेता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर सेंटर वाले की फ्रेम पर जैसे वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको जाना है सबसे लास्ट वाले की फ्रेम पर। तो यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको सेम उसी तरह से जो पहले वाले की फ्रेम पर हमने किया था उतना ही आपको यहाँ पर भी इसको फोटो को जो है डाउन पर साइड स्लाइड डाउन कर लेना। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला और बीच वाला की फ्रेम है उन दोनों के बीच में आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से सेट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कॉपी कर्व का ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सबसे लास्ट वाले की फ्रेम और बीच वाले की फ्रेम के दोनों के बीच में और आपको यहाँ पर फिर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको पेस्ट कर्व पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर स्केल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर की फ्रेम लगा देना। स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम लगाने के बाद आपको यहाँ पर बीच में एक की फ्रेम लगाना है और यहाँ पर सबसे लास्ट में एक की फ्रेम लगा देना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आना है और यहाँ पर आप अपने फोटो को जूम कर लेना। तो आप जितना चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो बीच वाला की फ्रेम है उसको आप जैसे वैसे रहने देना। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में जो की फ्रेम है उसको उसके ऊपर आपको आना है और यहाँ से आपको अपने फोटो को जो है जूम आउट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इतना कर लेता हूँ। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग में और बीच में जो की फ्रेम है उन दोनों के बीच में आपको आना है और यहाँ पर आपको ग्राफ पर क्लिक करना है और जो ग्राफ हमने कॉपी किया था उसी को आपको यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से जो लास्ट में और बीच में जो की फ्रेम है उनके बीच में आपको आना है और यहाँ पर आपको फिर से उसी ग्राफ को पेस्ट कर लेना और यहाँ से आप रोटेशन पर क्लिक करके रोटेट कर लेना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है टाइल्स। तो टाइल्स इफेक्ट को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर मिरर ऑप्शन को ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर और एक इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके आपको ऐड करना है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर को ऐड कर लीजिए। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर बैक करना है और जो हमने दूसरा इमेज ऐड किया है दूसरा फोटो जो है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और यहाँ पर अभी आपको सेम इसी तरह से तीन की फ्रेम ऐड कर लेना। तो सबसे स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दीजिए, बीच में एक की फ्रेम, एंडिंग में एक की फ्रेम लगाना है और बीच में एक की फ्रेम लगा देना बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है उसके ऊपर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपका जो फोटो है उसको आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्वाइप कर लेना। अगर आपको फोटो नहीं दिख रहा तो आप जो है की फ्रेम के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके थोड़ा सा आगे की तरफ स्वाइप कर लीजिए और अभी आपको यहाँ पर की फ्रेम के ऊपर आपको आना है और अभी आपको फोटो यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप इस तरह से इसको ऊपर की तरफ, तो आपका जो आधा फोटो है उसको आप इस तरह से ऊपर की तरफ स्वाइप कर लेना। तो यहाँ पर मैं इतने पर रख देता हूँ। इसके बाद अभी हमने जो की फ्रेम आगे की तरफ स्वाइप किया था उसको आप फिर से लॉन्ग प्रेस करके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर इस तरह से रख देना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो बीच वाला की फ्रेम है उसको आप जैसे वैसे ही रहने देना। उसके बाद आपको जाना है एंडिंग पॉइंट पर। एंडिंग वाले ऑप्शन पर आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप कर लेना जितना हमने पहले वाले की फ्रेम पर किया था। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग में और बीच में की फ्रेम है उन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ग्राफ पर क्लिक कर लेना और ग्राफ पर क्लिक करने के बाद जो हमने ग्राफ कॉपी किया था उसी को आप यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको स्वाइप करना है लास्ट में और जो बीच में और लास्ट वाला की फ्रेम है उन दोनों के बीच में आपको आना है और फिर से आपको यहाँ पर पेस्ट करो पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर रोटेशन पर क्लिक करके रोटेट कर लेना।
उसके बाद अभी आपको यहाँ पर बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से स्केल जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दीजिए, बीच में एक की फ्रेम लगा देना और अभी आपको यहाँ पर लास्ट में एक की फ्रेम लगाना है। और उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है उसके ऊपर आप आना है। उसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से फोटो अगर नहीं दिख रहा तो फिर से आप उसी ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। की फ्रेम के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके थोड़ा आगे स्वाइप कर लीजिए और यहाँ पर आपको इस तरह से उस की फ्रेम के ऊपर आना है। पहले वाले की फ्रेम के ऊपर आने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो आपका फोटो है उसको आपको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, तो इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इतने पर रख देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर इस की फ्रेम के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके स्टार्टिंग पॉइंट पर रख देना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो बीच वाला की फ्रेम है उसको जैसे वैसे रहने देना। उसके बाद आपको जाना है लास्ट वाले की फ्रेम के ऊपर और अभी आपको यहाँ पर इसको जो है माइनस में करना है, यानी कि जूम आउट कर लीजिए। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से जो स्टार्टिंग में और बीच में की फ्रेम है उनके बीच में आपको आना है और यहाँ पर आपको ग्राफ पर क्लिक कर लीजिए और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट करो, कर लेना। उसके बाद फिर से आपको लास्ट में और बीच में की फ्रेम है उन दोनों के बीच में आपको आना है और अभी आपको यहाँ पर फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर लेना और अभी आपको यहाँ पर रोटेशन पर क्लिक करके रोटेट कर लेना। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट पर जाना है, यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लीजिए और अभी आपको यहाँ पर ऐड करना है टाइल्स इफेक्ट को और अभी आपको यहाँ पर यहाँ से मिरर ऑप्शन को ऑन कर लेना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लीजिए और अभी आपको यहाँ पर ऐड करना है मोशन ब्लर। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार बन प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लैग हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा जो है दो चार कॉपी बना देता हूँ ताकि ट्रांजिशन देखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो पहले वाली लेयर है इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी लेयर पर क्लिक कर लीजिए और जाना है आपको यहाँ पर और यहाँ पर आके फिर से इस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर लेना। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो दूसरा वाला लेयर है इसको भी क्लिक करके इसको भी कॉपी कर लेयर कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में आना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा ट्रांजिशन अभी बन गया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया और इस तरह से आप अलाइट मोशन में ट्रांजिशन इफेक्ट बना सकते हो बहुत ही आसानी से। और अभी आप यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल का इफेक्ट हमारा बन गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।